हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। आज हम नर्वस सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हुए नर्वस सिस्टम के एक और नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेरिबेलम को आज स्टार्ट करेंगे। सेरिबेलम जिसे हम लघु मस्तिष्क भी कहते हैं, तो लघु मस्तिष्क, ठीक है, तो लघु मस्तिष्क को आज हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है और शॉर्ट नोट्स में भी आता है। तो सेरिबेलम जिसे हम लघु मस्तिष्क बोलते हैं, तो ये क्या होता है? इट इज़ स्मॉल इन साइज, बट जैसा कि इसका नाम बता रहा है, लघु मस्तिष्क, छोटा दिमाग। तो ये इट इज़ स्मॉल इन साइज। इसका जो बेसिक फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी के टोन, पोस्चर और इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम इज स्मॉल इन साइज एंड इट कंट्रोल्स द टोन, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब इसका जो कंट्रोल होता है वो कैसा होता है? इसका कंट्रोल इप्सिलेटरल होता है, मतलब ये हमारी बॉडी के सेम साइड को कंट्रोल करता है। जैसे सेरिब्रम होता है, तो सेरिब्रम तो हमारी बॉडी के अपोजिट हाफ को कंट्रोल करता है। राइट हाफ जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट वाला जो है वो राइट को कंट्रोल करता है। तो उसका कंट्रोल जो है वो कॉन्ट्रालेटरल होता है, जबकि जो सेरिबेलम है उसका जो कंट्रोल होता है वो कैसा होता है? इप्सिलेटरल होता है। इट कंट्रोल्स आवर सेम साइड ऑफ द बॉडी। अब इसके जो ग्रे मैटर में, इसका जो बाहर वाइट मैटर होता है और अंदर क्या होता है? ग्रे मैटर। तो इट्स ग्रे मैटर इज फोल्डेड ऑन इट्सेल्फ टू एकोमोडेट बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। इसका जो ग्रे मैटर होता है, इतना ज़्यादा फोल्डेड होता है, उस फोल्डिंग की वजह से वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को एक छोटे से एरिया में उसको एकोमोडेट कर पाता है। सो इट हैज़ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। द ग्रे मैटर ऑफ द सेरिबेलम हैज़ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स टू एकोमोडेट टू इन अ स्मॉल एरिया। उसको छोटे एरिया में बहुत एकोमोडेट कर रखा है उसको, इसीलिए उसका जो ग्रे मैटर होता है वो, उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है? उसको हम बोलते हैं आर्बोर वाइटे। आर्बोर वाइटे, वाइटे का मतलब वाइटल होता है और आर्बोर का मतलब होता है ट्री। तो इट्स अ वाइटल ट्री ऑफ लाइफ। आप अपनी बुक में डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में आपको ये दिखाई भी देगा, ये बीच में जो ग्रे मैटर है ये किस तरह से ट्री जैसा लग रहा है। इसका जो बीच में जो ग्रे मैटर है, ये कैसा जो है वो, ये ट्री जैसा लग रहा है, ये बीच में ग्रे मैटर होता है। तो ये ग्रे मैटर जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? ये ग्रे मैटर बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके बना होता है, और बहुत सारे न्यूरॉन्स एक ही छोटी जगह पे इकट्ठे हुए होते हैं, इसलिए इसका जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल ट्री के जैसा लगता है। तो उसे, इसलिए इसे आर्बोर वाइटे कहते हैं। तो अब इसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे लोकेशन। इसकी लोकेशन क्या है? सेरिबेलम किसका पार्ट है? सेरिबेलम इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में तीन चीज़ें आती हैं, कॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, ठीक है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। सबसे पहले इसकी लोकेशन में बताएंगे कि ये कहाँ होता है। ये क्या होता है? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। और ये कहाँ पर होता है? हमारे ब्रेन के मैंने आपको तीन कंपार्टमेंट बताए थे, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो ये कहाँ पर होता है? इट लाइज इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पहले तो बताएंगे ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन एंड इट लाइज इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। किसके पीछे? आगे पॉन्स और मेडुला है, तो बिहाइंड द पॉन्स एंड मेडुला। इट लाइज इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बिहाइंड पॉन्स एंड मेडुला। तीसरा पॉइंट ये कैसा है? इट इज़ एन इन्फ्राटेंटोरियल स्ट्रक्चर। मैंने अपनी मेनिंजेस वाली वीडियो में बताया था कि टेंटोरियम सेरिबेली होती है, जो सेरिब्रम और सेरिब्रम के ऑसिपिटल लोब और सेरिबेलम के बीच में होती है, जिसकी वजह से जो है दो कंपार्टमेंट हो जाते हैं, सुप्रा टेंटोरियल और इन्फ्राटेंटोरियल। तो ये टेंटोरियम सेरिबेली के नीचे होता है, इसलिए ये इसको क्या बोलेंगे? इट्स एन इन्फ्राटेंटोरियल स्ट्रक्चर। तो लोकेशन में हमने इसके तीन पॉइंट बताए। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। सेकेंड, कौन से पार्ट में होता है? इट लाइज इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बिहाइंड पॉन्स एंड मेडुला, पॉन्स एंड मेडुला के पीछे। और तीसरा जो है ये इट इज़ एन इन्फ्राटेंटोरियल स्ट्रक्चर, और ये हमारी बॉडी के वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ आर बॉडी। सो दिस वॉज द लोकेशन। इन थ्री पॉइंट्स वी हैव कवर्ड द लोकेशन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन लाइज इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बिहाइंड द पॉन्स एंड मेडुला, एंड द थर्ड वन इज इट इज एन इन्फ्राटेंटोरियल स्ट्रक्चर विच कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ आर बॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द रिलेशंस। इसके रिलेशन में एंटीरियरली, इसके आगे क्या लाई करता है? इसके आगे क्या होता है? इसके आगे आप डायग्राम देखेंगे तो इसके आगे क्या होता है? ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है बीच में, तो एंटीरियरली फोर्थ वेंट्रिकल, ये पॉन्स है और ये मेडुला है। तो आगे की तरफ एंटीरियरली फोर्थ वेंट्रिकल, पॉन्स और मेडुला।
अब पीछे की तरफ में क्या होता है, ये हमारी ऑसिपिटल बोन है पीछे, तो स्क्वैमस पार्ट होता है ऑसिपिटल बोन का, हम आपको बाद में बताएंगे ये। तो पीछे क्या होती है सिंपली आप ये भी याद कर सकते हो ऑसिपिटल बोन, तो पीछे और नीचे, पीछे और नीचे मतलब पोस्टीरो इन्फीरियरली, इसके पोस्टीरो इन्फीरियरली क्या लाई करती है स्क्वैमस ऑसिपिटल बोन, एंटीरियरली फोर्थ वेंट्रिकल पॉन्स एंड मेडुला, पोस्टीरियरली एंड इन्फीरियरली क्या लाई करता है स्क्वैमस ऑसिपिटल बोन, और ऊपर क्या होती है इसके टेंटोरियम सेरिबेली, जो फाक सेरिब्राई होती है ना, जो सॉरी ड्यूरा मैटर होती है, ड्यूरा मैटर की जो दूसरा फोल्ड होता है उसे बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेली, तो इसके सुपीरियरली क्या लाई करेगा टेंटोरियम सेरिबेली, ठीक है। तो सुपीरियरली टेंटोरियम सेरिबेली, एंटीरियरली फोर्थ वेंट्रिकल पॉन्स एंड मेडुला, और पीछे और नीचे क्या होती है स्क्वैमस ऑसिपिटल बोन। तो चारों तरफ से इसकी हमने रिलेशंस बता दिए, ठीक है, एंटीरियरली पोस्टीरियो इंपीरियरली एंड सुपीरियरली। अब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम भी दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से जो हमारा सेरिबेलम होता है ये भी दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स दैट आर यूनाइटेड विद ईच अदर थ्रू अ मीडियन वर्मिस। ये आप डायग्राम आप इसकी अपनी बुक में ये डायग्राम देखेंगे, ये बीच में क्या है, ये जो बीच में जा रहा है ये क्या, दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं और ये बीच में क्या है, ये हमारा वर्मिस, बीच में क्या है, ये हमारा वर्मिस होता है, दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स और बीच में क्या होता है वर्मिस। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स दैट आर यूनाइटेड टू ईच अदर थ्रू अ मीडियन वर्मिस, ठीक है। अब इस जो हमारा इसके दो सर्फेसिस होते हैं, एक सुपीरियर सर्फेस और एक इन्फीरियर सर्फेस। तो सुपीरियर सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, कन्वेक्स होता है, सेरिबेलम के दो सरफेस हो गए सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर सरफेस कैसा होता है, कन्वेक्स होता है और दोनों हेमिस्फीयर्स इस सरफेस पे क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, बीच में कोई नॉच वगैरह नहीं होती है, जबकि अभी हम आगे देखेंगे तो इसमें आगे पीछे और नीचे सब जगह जो है वो एक नॉच प्रेजेंट होती है। तो सुपीरियर सरफेस पे जो दोनों सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूअस हैं, there is no notch present in between this, so the two cerebellar hemispheres are continuous on this surface. और inferior surface पे क्या होती है, inferior surface पे दो cerebellar hemispheres के बीच में एक deep median notch होती है, उसे हम बोलते हैं valicula, क्या बोलते हैं valicula। तो हमारा जो inferior surface होता है cerebellum का, on the inferior surface of the cerebellum there is a deep median notch that is called as valicula which separates the two cerebellar hemispheres, ठीक है। तो ऊपर तो कोई नॉच नहीं है, दोनों सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स कंटिन्यूअस हैं, इन्फीरियर सरफेस पे जो नॉच प्रेजेंट है उसे हम वेलिकुला बोलेंगे। एंटीरियरली भी सेरिबेलम के आगे वाले पोर्शन पे भी एक वाइड और डीप नॉच होती है जिसमें कि पॉन्स और मेडुला लॉज होते हैं। ये आप नॉच देख रहे हैं ना, ये जो है हमारी इस तरह से सेरिबेलम अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, तो ये जो नॉच प्रेजेंट है दिस इज एंटीरियरली इन द सेरिबेलम देर इज अ वाइड एंड डीप नॉच जिसमें पॉन्स और मेडुला लॉज होते हैं। ऐसे ही पीछे की तरफ सेरिबेलम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे भी एक नॉच होती है, बट वो वाइड नहीं होती है, वो नैरो और डीप नॉच होती है। जो आगे होती है वो वाइड और डीप नॉच होती है और पीछे की तरफ नैरो, देर इज अ नैरो एंड डीप नॉच जिसमें क्या लाई करती है ड्यूरा मैटर की जो तीसरा फोल्ड था, दैट इज फॉक्स सेरिबेली, इन विच द फॉक्स सेरिबेली लाइज। समझ आया। तो सुपीरियर सरफेस पे कोई नॉच नहीं है, द टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स आर कंटिन्यूअस ऑन दिस सरफेस। इंफीरियर सरफेस प्रेजेंट्स अ डीप एंड वाइड नॉच दैट इज कॉल्ड एज डीप नॉच दैट इज कॉल्ड एज वेलिकुला विच सेपरेट्स टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। एंटीरियरली देर इज अ वाइड एंड डीप नॉच जिसमें पॉन्स और मेडुला लॉज्ड होते हैं, पीछे एक नैरो और डीप नॉच होती है जिसमें फॉक्स सेरिबेली लाई करती है। अब हम हर सेरिबेलर हेमिस्फीयर के तीन लोब होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ईच सेरिबेलर हेमिस्फीयर हैज़ थ्री लोब्स, आपकी बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें तीन लोब्स होते हैं। ये हमारा होता है एंटीरियर लोब, ये पूरा आप यहाँ से लेके ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे फिशूरा प्राइमा लिखा होगा आपकी बुक में, ये एंटीरियर लोब होता है और बीच में होता है फिशूरा प्राइमा, और इसके पीछे ये बड़ा सा जो लोब दिखाई दे रहा है आपको ये क्या होता है हमारा पोस्टीरियर लोब, या फिर इसको मिडल लोब भी बोलते हैं क्योंकि ये बीच में भी होता है थोड़ा पीछे की साइड पे होता है, इसलिए इसको मिडल लोब या पोस्टीरियर लोब बोलते हैं। और तीसरा जो लोब होता है ये हमारा होता है फ्लॉक्यूलो नोडुलर लोब। सो द ईच सेरिबेलर हेमिस्फीयर हैज थ्री लोब्स, द एंटीरियर लोब, नेक्स्ट इज द मिडल लोब और द पोस्टीरियर लोब, एंड द थर्ड वन इज द फ्लॉक्यूलो नोडुलर लोब।
नाउ हाउ दीज लोब्स बिकम्स डिवाइडेड, तो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के बीच में एक फिशर है, इसे बोलते हैं फिश्यूरा प्राइमा. तो दिस फिश्यूरा प्राइमा इज डिवाइडिंग द एंटीरियर लोब फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब, एंड देर इज अनदर फिशर हेयर विच डिवाइड्स द मिडल लोब और द पोस्टीरियर लोब फ्रॉम द फ्लॉक्युलो नोडुलर लोब. सो दिस फिशर इज कॉल्ड एज पोस्टीरो लेटरल फिशर, क्योंकि ये पीछे और थोड़ा सा लेटरल साइड पे होता है, इसलिए से बोलते हैं पोस्टीरो लेटरल फिशर. ये वाला जो फिशर है, दिस इज पोस्टीरो लेटरल फिशर. सो ये हमारा फिशूरा प्राइमा है और ये हमारा पोस्टीरो लेटरल फिशर है. दीज टू फिशर्स आर डिवाइडिंग ईच सेरिबेलर हेमिस्फीयर इनटू थ्री लोब्स, द एंटीरियर लोब, द पोस्टीरियर लोब और द मिडल लोब एंड द फ्लॉक्युलोनोडुलर लोब. एंड इन दीज थ्री लोब्स यू कैन सी द मिडल लोब इज द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री लोब्स. मिडल लोब जो है वो इन तीनों लोब्स में से सबसे बड़ा लोब होता है. तो इस प्रकार से हमने इसके तीन लोब पढ़े हैं. अब इसके बाद जो है वो सेरिबेलम के फिशर्स, दो फिशर तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे, फिश्यूरा प्राइमा. वैसे तो सेरिबेलम के ऊपर जो है वो सेरिबेलम इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स बाय नंबर ऑफ फिशर्स, बट इसमें हम मेनली तीन फिशर्स के बारे में पढ़ेंगे. एक तो होता है हमारा फिश्यूरा प्राइमा जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर लेटरल फिशर जो पोस्टीरियर लोब को और फ्लॉक्युलोनोडुलर लोब को डिवाइड कर रहा है वो, और तीसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर. हॉरिजॉन्टल फिशर क्या करता है, सेरिबेलम को ऊपर और नीचे अपर एंड लोअर हाफ्स में जो है वो डिवाइड करता है, द हॉरिजॉन्टल फिशर. ओके, द हॉरिजॉन्टल फिशर. तो मेनली देर आर थ्री फिशर्स इन द सेरिबेलम, द हॉरिजॉन्टल फिशर, द फिश्यूरा प्राइमा एंड द थर्ड वन इज द पोस्टीरियर लैटरल फिशर. ठीक है, तो अब हम सेरिबेलम को बीच में से हॉरिजॉन्टल फिशर के लेवल पे अगर हम कट कर दें, ऐसे करके बीच में से खोल दें, और इस तरह से है ना सेरिबेलम, ये उसका ऊपर वाला सरफेस और ये इसका नीचे वाला सरफेस. अब हम सेरिबेलम को बीच में से यहाँ करते हैं, कट कर देते हैं और इसको इस तरीके से खोल देते हैं. ठीक है, सेरिबेलम में क्या है, दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं और बीच में क्या है, वर्मिस. तो जब हम इसको बीच में से कट करेंगे और इस तरह से इसको हम खोल देंगे, ठीक है, आपकी बुक में जो डायग्राम बना हुआ है वो बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है, बीच में से कट करके सेरिबेलम को इस तरह से खोल दिया है. तो बीच में वर्मिस दिखाई दे रहा है और साइड में दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये आपकी बुक में जो डायग्राम बना हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये कट करके जो है वो ये बीच में से जुड़ा हुआ है ना पीछे से, इसको इस तरह से ऐसे खोल दिया है सेरिबेलम को. तो ये बीच में जो है ये वर्मिस है, ये वर्मिस है और ये दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं. तो अब इनके जो है वो जब हमने इसको काट दिया, इसको इस तरह से कट कर दिया, हॉरिजॉन्टल फिशर के अलोंग कट किया और इसको ऐसे ओपन किया, तो हम जो बीच में जो वर्मिस है, वर्मिस और ये जो हमारे सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं, उनके हम सब डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो ऊपर से अब हमने इसको ऐसे खोला है, इस तरह से ऐसे खोला है, तो वर्मिस ऐसे जाएंगे, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर पीछे से, फिर ये, फिर थोड़ा आगे जाएंगे, इस तरीके से हम वर्मिस के पार्ट्स और वर्मिस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर के पार्ट है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस तरह से खोला, तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर से. तो ये वर्मिस के पार्ट्स हैं और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्मिस के पार्ट हैं यहाँ पे, ये इसी कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर के पार्ट हैं वो भी पढ़ेंगे. तो जो वर्मिस के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. सबसे ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा जो है ये जिसमें मेरा पेन है, ये क्या है, लिंगुला, दिस इज लिंगुला. इसके बाद ये क्या है, सेंट्रल लोब्यूल, लिंगुला, सेंट्रल लोब्यूल, ये बीच में आपके फिश्यूरा प्राइमा लिखा होगा यहाँ पे. तो ये लिंगुला है, ये सेंट्रल लोब्यूल है, दिस पिंक कलर पार्ट इज, ये वर्मिस के पार्ट पढ़ रहे हैं हम. सबसे ऊपर लिंगुला, फिर सेंट्रल लोब्यूल, फिर कलमेन, फिर ये ब्लू कलर का डेक्लिव, फिर ये फोलियम, स्किन कलर का जो पार्ट है, कलमेन, डेक्लिव, फोलियम. फिर अब पीछे से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले हिस्से में पीछे से, ये क्या है हमारा, टबर, TUBER, टबर. फिर आगे येलो वाला, ये पिरामिड, टबर, पिरामिड. और ये क्या है, ओव्यूला, दिस इज ओव्यूला, एंड दिस इज नोड्यूल, टपून, टबर, पिरामिड, ओव्यूला और नोड्यूल. दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, ये सबसे ऊपर जो है लिंगुला, फिर सेंट्रल लोब्यूल, फिर कलमेन, डेक्लिव, फोलियम, टबर, पिरामिड, ओव्यूला और नोड्यूल. तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड में सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं, अपने अपने वर्मिस के पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग सेरिबेलर हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट लाई करता है. तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा जो है वो लिंगुला है, लिंगुला के साइड में कोई भी सेरिबेलर हेमिस्फीयर का पार्ट नहीं है. ठीक है, सेंट्रल लोब्यूल है, सेंट्रल लोब्यूल के साइड में जो ये बड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है ये सेरिबेलर हेमिस्फीयर का, इसको हम बोलते हैं एला. क्या बोलते हैं, एला. तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल लोब्यूल, और इसके साइड में कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ये एला. और उसके बाद ये हमारा क्या था, कलमेन, कलमेन के साइड में क्या है हमारा, क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल. फिर उसके बाद ये हमारा सिंपल लोब्यूल,
फिर ये हमारा हो गया सुपीरियर सेमीलूनर लोब्यूल, फिर ये इसके टबर के साइड में जो है ये हमारा इन्फीरियर सेमीलूनर लोब्यूल, फिर ये हमारा हो गया बाईवेंट्रल लोब्यूल, फिर ये हमारा हो गया टॉन्सिल, ये टॉन्सिल है ओव्यूला के साइड में, क्या है टॉन्सिल है, और ये हमारा नोड्यूल के साइड में जो ये बड़ा सा जा रहा है ये क्या हमारा फ्लॉक्युलस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा लिंगुला था, लिंगुला के साइड में कुछ नहीं है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर कोई पार्ट नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल लोब्यूल के साइड में एला है, एला के बाद यहाँ पे क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल कलमेन के साथ में, और उसके बाद फिर सिंपल लोब्यूल, फिर सुपीरियर सेमीलूनर लोब्यूल, फिर इन्फीरियर सेमीलूनर लोब्यूल, फिर बाईवेंट्रल लोब्यूल, फिर उसके बाद टॉन्सिल, और उसके बाद जो है वो हमारा फ्लॉक्युलस। तो इस प्रकार से जब हमने सेरिबेलम को हॉरिजॉन्टल फिशर के अलोंग कट करके इसको ऐसे ऊपर नीचे खोल दिया, तब हमारे वर्मिस के कौन से पार्ट्स हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट से, ये सुपीरियर सरफेस है और ये इन्फीरियर सरफेस है, तो वर्मिस तो ऊपर भी और नीचे भी है, तो वर्मिस के पार्ट्स और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सेरिबेलर हेमिस्फेयर के कौन कौन से पार्ट्स जो है वो लाई करेंगे वो हमने पढ़े। अब हम सेरिबेलम के डिविजन्स पढ़ेंगे। सेरिबेलम के दो प्रकार से हम डिविजन करते हैं, एक मॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स और एक हमारे होते हैं फंक्शनल डिविजन्स। तो मॉर्फोलॉजिकली हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, आप सिर्फ इतना याद करेंगे, आर्ची सेरिबेलम, पेलियो सेरिबेलम एंड नियो सेरिबेलम। व्हाट इज आर्ची सेरिबेलम? आर्ची सेरिबेलम इज फॉर द कंट्रोल ऑफ द बाइलेटरल मूवमेंट्स ऑफ अर बॉडी एंड द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारी बॉडी की जो बाइलेटरल मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है, हमारे एक्सियल मस्कुलेचर को कंट्रोल करता है ये आर्ची सेरिबेलम। पेलियो सेरिबेलम जो है वो ये हमारी टोन, इट कंट्रोल्स टोन पोस्टर एंड क्रूड मूवमेंट्स ऑफ अर बॉडी, टोन पोस्टर एंड क्रूड मूवमेंट्स ऑफ अर बॉडी। और जो नियो सेरिबेलम होता है ये हमारी बॉडी की फाइन मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, फाइन मूवमेंट जैसे सुई के अंदर जो है, सुई धागे मतलब सुई के अंदर जो है वो धागे को डालना, ये क्या होता है हमारी फाइन मूवमेंट्स होती हैं। तो इस प्रकार की जो फाइन मूवमेंट्स होती हैं ये हमारी कौन सा कंट्रोल करता है, ये हमारा नियो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो मॉर्फोलॉजिकली इसके तीन डिवीजन हो गए, आर्ची सेरिबेलम विच कंट्रोल्स आर एक्सियल मस्कुलेचर एंड बाइलेटरल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, उसके बाद हमारा पेलियो सेरिबेलम, पेलियो सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टोन पोस्चर एंड क्रूड मूवमेंट्स ऑफ आर बॉडी, एंड द थर्ड वन इज द नियो सेरिबेलम विच कंट्रोल्स द फाइन मूवमेंट्स ऑफ आर बॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फंक्शनल डिवीजन। फंक्शनल डिवीजन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब है, फंक्शनली हम इसको साइड से लेके मतलब यहाँ पे ये इस तरह से डिवाइड करेंगे। इस आपकी बुक में जो है ये डायग्राम बना हुआ है, आप इसको इजीली देख सकते हो, ये वाला डायग्राम है। फंक्शनली आप इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे साइड से, ये एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब जो है दो उन्हीं का डिवीजन है। इसमें ये साइड वाला जो जोन है ये हमारा लेटरल जोन, ये बीच में ग्रीन कलर का पार्ट जो है ये दिखा रखा है इंटरमीडिएट जोन, और ये हमारा बीच वाला पार्ट है वर्मल जोन। तो बाहर से इधर अंदर की साइड पे आते हुए लेटरल जोन, इंटरमीडिएट जोन और वर्मल जोन तीन जोन है। तो लेटरल जोन क्या करता है, लेटरल जोन जो है वो हमारी इट इज़ इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग द मस्कुलर एक्टिविटीज़, और इंटरमीडिएट जोन हमारी हैंड्स की, फीट्स की, टोज की, इनकी मसल्स को जो है वो कंट्रोल करता है, और जो हमारा इन वर्मल जोन है, वर्मिस वाला पार्ट जो है ये किसको कंट्रोल करता है, ये हमारी बॉडी की जो शोल्डर की मसल्स हैं, नेक की मसल्स हैं, ट्रंक की मसल्स हैं, हिप रीजन की मसल्स हैं, इन मसल्स को हमारी ये कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो फंक्शनल डिवीजन है वो तीन प्रकार से है, लेटरल जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड द वर्मल जोन। अब हमारा बचा फ्लॉक्युलर नोड्यूलर लोब, उसका एक अलग फंक्शन होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारा जो कान होता है वो भी इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, उसी के साथ मिलके ये जो हमारा फ्लॉक्युलर नोड्यूलर लोब है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। अब हम सेरिबेलम के ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने हर किसी स्ट्रक्चर में उसका ग्रे मैटर और भाई वाइट मैटर के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही इसके हम ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो वाइट मैटर है सेरिबेलम का, इट इज़ अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ थ्री पिडंकल्स। व्हाइट मैटर आप जानते हैं, व्हाइट मैटर में क्या होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं। तो द ग्रुप ऑफ द नर्व फाइबर्स विच आर एंटरिंग द सेरिबेलम एंड विच आर लीविंग द सेरिबेलम, दे आर ग्रुप्ड इनटू थ्री पिडंकल्स, सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल, मिडल सेरिबेलर पिडंकल और इन्फीरियर सेरिबेलर पिडंकल। याद रखें सेरिब्रल नहीं बोलना है, सेरिबेलर बोलना है। सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल, मिडल सेरिबेलर पिडंकल, इन्फीरियर सेरिबेलर पिडंकल। ये क्या है पिडंकल्स? ये ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स हैं जो सेरिबेलम से बाहर निकलते हैं या अंदर एंटर करते हैं। ये इनका काम क्या होता है, ये सेरिबेलम को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल है वो पिडंकल जो सेरिबेलम को मिड ब्रेन से जोड़ता है, मतलब इसके फाइबर्स जो हैं वो सेरिबेलम और मिड ब्रेन के जो बीच में फाइबर्स हैं
जो मिड ब्रेन तक जा रहे हैं या मिड ब्रेन से सेरिबेलम तक जा रहे हैं, उसको हम उस ग्रुप ऑफ फाइबर्स को क्या बोलते हैं, सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल। मिडल सेरिबेलर पिडंकल क्या होता है, जो सेरिबेलम को पॉन्स से जोड़ेगा, और इन्फीरियर सेरिबेलर पिडंकल जो सेरिबेलम को मेडुला से जोड़ेगा। ठीक है, मिड ब्रेन से जोड़ने वाला सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल, और पॉन्स से जोड़ने वाला मिडल सेरिबेलर पिडंकल, और जो मेडुला से जोड़ने वाला इन्फीरियर सेरिबेलर पिडंकल। अब इसका ग्रे मैटर आता है, ग्रे मैटर में, ग्रे मैटर अंदर होता है इसका, ग्रे मैटर में चार ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। द ग्रे मैटर इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोर ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो वो कौन से न्यूक्लियाई होते हैं इसमें, आप डी जी ई एफ मतलब न्यूक्लियस डेंटेटस, और जी का मतलब न्यूक्लियस ग्लोबुलस, ई का मतलब न्यूक्लियस एम्बोलीफॉर्मिस, एंड एफ का मतलब न्यूक्लियस फास्टिजन। ठीक है, डी जी ई एफ, न्यूक्लियस डेंटेटस, न्यूक्लियस ग्लोबुलस, न्यूक्लियस एम्बोलीफॉर्मिस एंड न्यूक्लियस फास्टिजन। और अगर हिस्टोलॉजिकली देखें तो बाहर से अंदर की साइड पे जो ये ग्रे मैटर है, इसमें तीन लेयर होती हैं। इसमें है एमपीजी, मध्य प्रदेश गया, एमपीजी मतलब मॉलिक्यूलर लेयर, पी फॉर पुर्किंजे सेल लेयर, और अंदर की साइड पे आएंगे तो इसमें ग्रैन्यूलर सेल लेयर मिलेगी। तो ये जो ग्रे मैटर होता है बाहर से लेके अंदर की साइड पे, हिस्टोलॉजिकली इसको अगर हम डिवाइड करें तो सबसे बाहर मॉलिक्यूलर लेयर मिलेगी, फिर हमें पुर्किंजे सेल की लेयर मिलेगी, पुर्किंजे सेल जैसे आपने हार्ट में पढ़े ना वही पुर्किंजे सेल लेयर मिलेगी, और अंदर की साइड पे हमें क्या मिलेगी, ग्रैन्यूलर सेल लेयर मिलेगी। तो ये इस प्रकार से इसका व्हाइट मैटर था, विच इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ थ्री पिडंकल्स, एंड द ग्रे मैटर कंटेन्स द फोर ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई, एंड हिस्टोलॉजिकली फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड्स देर आर थ्री मॉलिक्यूलर लेयर्स, दैट इज एम पी जी दैट इज मतलब मॉलिक्यूलर लेयर, पुर्किंजे सेल लेयर एंड ग्रैन्यूलर सेल लेयर। ठीक है, अब हम इसकी ब्लड सप्लाई देखेंगे। ब्लड सप्लाई में मैंने आपको जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई बताई थी फर्स्ट अपनी वीडियो में, तो उसमें मैंने कई सारी आर्टरीज का नाम बताया था, सेरिबेलर वाली, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरीज, दो एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरीज जो बेसिलर आर्टरी की ब्रांच होती है, दो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरीज जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच होती है, और हमारी दो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे जो होती है ना, दो पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, वो वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच होती है, और हमारी जो सेकंड होती है वो एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी, थर्ड वन इज द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी विच इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द बेसिलर आर्टरी। सो ये हमारी जो है इसकी ब्लड सप्लाई है, वेन, इसकी जो वीनस सप्लाई है वो है, द वेन्स ड्रेन्स इन टू द नेबरिंग वीनस साइनसेस, जो वीनस ब्लड होता है वो नेबरिंग जो क्रेनियल वीनस साइनसेस होते हैं उसके अंदर ड्रेन करते हैं। नाउ वट आर द फंक्शंस ऑफ द सेरिबेलम, द सेरिबेलम कंट्रोल्स द सेम साइड ऑफ अर बॉडी, फर्स्ट इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ अर बॉडी सो दैट दे आर स्मूथ बैलेंस्ड एंड एक्यूरेट, ताकि जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो कैसी हैं, स्मूथ हों, बैलेंस्ड हों, एक्यूरेट हों। अगर हम हाथ हिला रहे हैं तो सही जगह सही तरीके से हिलाएं, सुई में जो है वो धागा डाल रहे हैं तो वो सही तरीके से डाल रहे हैं, तो वो जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो कैसी हों, वो स्मूथ बैलेंस्ड और एक्यूरेट हों, सही से हों। तो करवाता तो सेरिब्रम है, पर उसको जो कोऑर्डिनेट करता है वो कि सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो उसका काम, इक्विलिब्रियम जो मेंटेन करना है वो किसका काम होता है, वो हमारे सेरिबेलम का होता है। तो सेरिबेलम फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंट्रोल्स द सेम साइड ऑफ द बॉडी, सेकेंड इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ अवर बॉडी सो दैट दे आर स्मूथ फाइन एंड बैलेंस्ड, स्मूथ एक्यूरेट एंड बैलेंस्ड, थर्ड वन इज इट कंट्रोल्स द टोन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ अवर बॉडी। ओके, इसी से रिलेटेड हमारा जो है क्लिनिकल पॉइंट है, क्लिनिकल पॉइंट में हमने तीन लोब्स पढ़े हैं ना, एंटीरियर लोब, मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब में अगर डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, गेट अटैक्सिया होगा, गेट मतलब जो हमारा गेट होगा वो कैसा होगा, स्टैगरिंग गेट। जो स्टैगरिंग गेट देखा है ना, मतलब जैसे शराब पी के जो लोग लड़खड़ाते हैं, तो वो गेट कैसा होता है, स्टैगरिंग गेट होता है। तो अगर एंटीरियर लोब में डिफेक्ट होगा तो गेट कैसा होगा, स्टैगरिंग गेट होगा, उसे बोलते हैं गेट एटेक्शिया। एटेक्शिया का मतलब बैलेंस नहीं कर पाना, गेट को जो हमारी मूवमेंट है उसको बैलेंस नहीं कर पाना, दैट इज कॉल्ड एज गेट एटेक्शिया। तो गेट एटेक्शिया होगा, और पोस्टीरियर लोब में अगर डिफेक्ट होगा, पोस्टीरियर लोब में अगर लीजन होगा तो स्पीच डिफेक्ट आएगा, स्पीच जो है वो गड़बड़ कर जाएगी। और अगर फ्लॉक्युलो नोडुलर लोब में अगर डिफेक्ट होगा तो ट्रंकल एटेक्शिया होगा। ट्रंकल एटेक्शिया का मतलब हम अपनी सीधे खड़े हैं, ट्रंक हमारी इधर उधर नहीं गिर रही है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, हम अपने ट्रंक को संभाल नहीं पाएंगे। अगर पोस्ट फ्लॉक्युलर नोडुलर लोब में, फ्लॉक्युलो नोडुलर लोब में अगर डिफेक्ट होगा तो ट्रंकल एटेक्शिया होगा। तो क्लिनिकल पॉइंट में आप सबसे इंपॉर्टेंट यही तीन लिखेंगे, एंटीरियर लोब डिफेक्ट लीड्स टू
गेट अटैक्सिया मीन्स स्टैगरिंग गेट, पोस्टीरियर लोब में अगर डिफेक्ट होगा तो स्पीच डिफेक्ट मिलेगा, और अगर फ्लॉक्युलोनोडुलर लोब में डिफेक्ट होगा तो क्या मिलेगा, ट्रंकल एटेक्शिया मिलेगा। एटेक्शिया का मतलब होता है कि हम उसको संभाल नहीं, जो जो हमारी ट्रंक है उसको हम संभाल नहीं पाएंगे, वो इधर उधर गिरेगी। नॉर्मली हम सीधे खड़े रहते हैं, नहीं गिरती ना ट्रंक तो ना राइट पे ना लेफ्ट पे, उसी प्रकार से जो है वो लेकिन इसमें क्या होगा, ही विल द पेशेंट विल नॉट बी एबल टू अपने उसको संभाल नहीं पाएगा ट्रंक को। तो ये हमारा जो है इसका क्लिनिकल पॉइंट थे। तो इसके बाद जो है वो दिस कंप्लीट्स आवर सेरिबेलम लघु मस्तिष्क, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसके नोट्स बनाइए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम और किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ, यानी डॉक्टर गगन और डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी के साथ शारीरिक ज्ञान के सफर पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।